बहुत रिस्क है भाई, बहुत रिस्क है। देखिए इसके अंदर है ना तो रेगुलेटेड कोई आईसी दे रखी है और ना ही रेगुलेटेड बैटरी वोल्टेज करने का कोई सिस्टम इसके अंदर दे रखा है। देखो ये लोकल ईयरबड्स है। आज मैं आपको ईयरबड्स के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली हम ये जानेंगे इन ईयरबड्स के बारे में, ये हमारी हेल्थ के साथ कैसे खिलवाड़ कर जाते हैं और मार्केट में धड़ल्ले से बिकते हैं भाई, हाथ से देखिए बता के नहीं होते। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, कान में एक बार लगाओगे तो आपके कान में एक तरह से बम भी लगा हुआ है छोटे वाला। ठीक है, मैं खुल के बताना आपको पसंद करूंगा, क्योंकि हम रिपेयरिंग करते हैं ना, हमारे सामने ऐसे ऐसे सीन आते रहते हैं, केस आते रहते हैं ऐसे वाले। देखिए इसके अंदर बैटरी होती है, लोकल ईयरबड्स के अंदर जो बैटरी लगाई जाती है ना वो लो क्वालिटी की लगाई जाती है, जिसकी जो चार्जिंग के वक्त है ना काफी गर्म हो जाती है और ब्लास्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों आज बात करते हैं इन ईयरबड्स के बारे में, ये आपको खरीदने चाहिए या फिर किस ब्रांड के आपको ईयरबड्स खरीदने चाहिए। काफी लोगों की मुझे कमेंट भी आती है, 1000 वाला लो, 2000 रुपए वाला लो। भाई पैसे देख के मत लेना, मैं आपको ब्रांड के नाम बता दूंगा कौन से ब्रांड होते हैं जिनके ईयरबड्स आप इजीली खरीद सकते हो बिना किसी झिझक के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकल ईयरबड्स का यूज रिस्की क्यों होता है। पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप चैनल पर नए मेहमान है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से काफी मोटिवेशन मुझे मिलता है। चलिए ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकल ईयरबड्स का यूज रिस्की क्यों होता है। देखकर कभी मत खरीदना, 200, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए इतने में जो ये ईयरबड्स मिलते हैं ना, इनके अंदर क्या क्वालिटी लगाई जाती है। देखिए लोकल क्वालिटी के ईयरबड्स में है ना काफी लो क्वालिटी की बैटरी यूज होती है, जो जो चार्जिंग के टाइम पे है ना गर्म होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लास्टिंग का चांस बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ लोकल क्वालिटी के जो ईयरबड्स होते हैं ना, इनके अंदर अगर हम देखते हैं इनकी पीसीबी के अंदर, मैं आपको पास से भी दिखा दूंगा, ये इसके अंदर सिर्फ एक ही रेगुलेटेड आईसी दे रखी है, यही सारी चीज मैनेज करती है और चार्जिंग भी मैनेज यही कर रही है, टाइम भी यही मैनेज कर रही है, उसके बाद ये माइक भी यही मैनेज कर रही है और उसके बाद ये कनेक्टिविटी भी यही मैनेज कर रही है। तो ये कितना कर पाएगी? तो जो लो क्वालिटी के जो ईयरबड्स होते हैं ना, इनके एक ही आईसी के अंदर सारी चीजें घुसा दी जाती हैं। मतलब जबरदस्ती आप कह लीजिए एक ट्रेन के डब्बे में 200-300 आदमी जबरदस्ती ठोस ठोस के भर दिए हो। एग्जाम्पल गाड़ी के अंदर अगर 5 बंदों की सीटिंग कैपेसिटी है तो आप उसमें बिठा दो 15 बंदे, तो गाड़ी के इंजन पे भी लोड पड़ेगा और 15 बंदे वो भी दुखी हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा ही कुछ ये काम करके देते हैं लोकल ईयरबड्स। आजकल बहुत सारी कंप्लेंट ऐसी आने लगी है कि ये ब्लास्ट होने लगे हैं। जो फैक्ट्रियां होती है, कंपनी नहीं कहेंगे लोकल वाली, लोकल कंपनी नहीं होती, वो फैक्ट्रियां होती है भाई। आजकल है ना कोई भी बंदा कतराता नहीं है किसी भी चीज से, ना उसे डर लगता, ना तो सरकारों से डर लगता, ना पुलिस से डर लगता। वो बंदे फैक्ट्री खोल के बैठ जाते हैं, लोकल माल चाइना से मंगा मंगा के असेंबल करके उसे अपने नाम से बेचने लग जाता है या फिर उसी का नाम चढ़ा देता है वो। कई बार ऐसा होता है बोट के भी आपको लोकल देखने को मिले होंगे। लोकल ईयरबड्स फैक्ट्री होती है ना, इनका कोई उसी पास डिपार्टमेंट नहीं होता भाई। इनके ब्रांडेड ईयरबड्स कंपनी होती है ना, ये सर्टिफाइड सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करती है, जो की लोकल कंपनियां बिल्कुल भी नहीं करती है। उन्हें बस बनाने से मतलब है, मार्केट में निकाल देते हैं, 100 रुपए उनके बनाने की कॉस्ट आती है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाना चाहूँ लोकल ईयरबड्स यूज करना कितना खतरनाक हो सकता है, 2023 की एक न्यूज काफी वायरल हुई थी, जिसमें एक सिंगल कान वाला जो ब्लूटूथ होता है उसी में चार्जर लगता है। एक बंदा चार्जर लगा के कान में लगा रखा था, पता नहीं गाने सुन रहा था या बातें कर रहा था, फट गया, उसके बाद उसको हियरिंग लॉस का इशू आ गया। तो ऐसा आपके साथ ना हो भाई, तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोकल ईयरबड्स का यूज मत किया करो भाई, इनके अंदर बैटरियां लगी होती हैं, देखो ऐसी, ये एक तरह से बम होता है भाई। बताता हूँ आपको, कब पता चलेगा कि आपके ईयरफोन की बैटरी खराब हो चुकी है, फटने वाली है या कोई ना कोई खतरा है उसके अंदर, आपको क्या सावधानियां बरतनी है, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत सारी काम की जानकारी मैं दूंगा। लोकल ईयरबड्स फैक्ट्री वाले भी लिथियम आयन बैटरी का यूज करते हैं, मगर उनका जो लिथियम आयन होता है ना काफी लो क्वालिटी का होता है। बनाने का जो मटेरियल होता है ना वो काफी घटिया होता है, ज्यादा खास वो होता नहीं, बस काम चला होता है, हमारे कान के पास यूज होता है, इसलिए इंजरी होने का रिस्क तो बढ़ता ही है। देखो इसको यूज करने से ना एक कमी और आती है हमारे कान में, लोकल ईयरबड्स का साउंड क्वालिटी और डिसिबल लेवल अनरेगुलेटेड होता है, कि ईयर ड्रम्स को डैमेज कर सकता है। एक चीज और ध्यान रखना, उनका फिट अनकंफर्टेबल होता है, आपके कान में पेन भी होने लगता है। और ब्रांडेड ईयरबड्स खरीदते वक्त चेक करना है आपको कि उसमें कोई सर्टिफिकेशन है या नहीं, कोई सर्टिफिकेशन नाम की चीज है या नहीं, जैसे कि BIS सेफ्टी और क्वालिटी इंश्योर करता है। ऐसे ईयरबड्स आपको खरीदने हैं जिनमें शॉर्ट सर्किट का खतरा ना हो। उनसे लेने में अभी आपको बता देता हूँ, बैटरी की लाइफ और कैपेसिटी चेक करना ना भूले। फिर चीज देखो, कभी भी आपको ईयरबड्स खरीदने हो तो वाटर रेजिस्टेंस जरूर देख लें, उस पर लिखा हो। अच्छा अब मैं आपको कुछ ब्रांड बता देता हूँ जो ट्रस्टेड है मार्केट में, उनके ईयरबड्स में काफी कम प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सैमसंग, सोनी, JBL, रियलमी, बोट, वन प्लस, एप्पल या फिर ऐसी कंपनी बड्स ही खरीदना है जो सर्टिफाइड हो। बाकी आप देखिए बोट हमारी एक इंडियन कंपनी है, इसके भी लोकल ईयरबड्स मार्केट में आ चुके हैं। बोट्स लिखा होता है मगर वो लोकल होते हैं अंदर से। मैं आपको साइड में एक वीडियो दिखा देता हूँ, ये बोट के नहीं है। देखो ये वाले कौन से हैं, ये वाले जो ईयरबड्स हैं ऐसे वाले जो देखने में चमक धमक काफी अच्छी होती है, ये आप बिल्कुल भी परचेज ना करें। इनके अंदर जो स्पीकर होता है ना, देखो कितना छोटा सा स्पीकर लगा रखा है, मगर ईयरबड्स का आप साइज देखेंगे ना, देखो कितना बड़ा दे रखा है ना, तो ये हमें मैनुपुलेट करते हैं। और इसके स्पीकर का साइज देखिए क्या है, ये छोटा सा स्पीकर इसमें लगा रखा है। और उसके बाद इसकी जो बैटरी है ये अनकंफर्टेबल बैटरी है भाई, हमें पता है इसके बारे में ना, ये बैटरी कुछ खास नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों आप ये बात तो समझिएगा कि आपको लोकल ईयरबड्स नहीं खरीदने, आपको जब भी खरीदने ब्रांडेड ही खरीदने, ठीक है।
चाहे वो ऑनलाइन खरीदो चाहे आप ऑफलाइन खरीदो। अब मैं आपको दूसरी बात ये बताता हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ईयरबड्स में जो बैटरी लगी हुई है ये फूल गई है, कैसे पता चलेगा बताऊँ आपको। देखो मान लो आपने कोई ईयरबड्स खरीदा, मान लेते हैं 10 घंटा, वैसे तो एक एक दो दो दिन के भी ईयरबड्स आते हैं, मैं मुझे पता है। मान लीजिए आपने जो ईयरबड्स खरीदा है उसका 10 घंटे का बैटरी बैकअप, अब वो महीने दो महीने यूज करने के बाद 1 घंटे बैटरी बैकअप देने लग गया, तो आप समझ जाना उसके ईयरबड्स के अंदर जो बैटरी लगी हुई है ये बैटरी फूल जाती है ना, तो बैटरी बैकअप देना कम हो जाता है। मतलब बैटरी बैकअप कम हो ना तो आप समझ जाना ये बैटरी फूल रही है, उसको फिर भाई कान में यूज मत करना। बहुत सोचते हैं कि अरे यार मेरा तो बस 1 घंटे चल रहा है, इसको चार्ज लगाना पड़ता है बार बार, दिमाग में वो बात आती ही नहीं कि इसके अंदर बैटरी जो लगी हुई है वो फूली हुई है, एक तरह से बम बन चुका है भाई वो, आप उस बम को कान में लगा के घूम रहे हो, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों ये पहचान है, बैटरी आपकी फूल चुकी है। अब एक चीज ध्यान देना मेरी बात, मैं मोबाइल रिपेयर वाला खुद ये आपको बोलना चाहूंगा कि आप कभी भी इसकी बैटरी चेंज मत करवाना मार्केट से। भाई आजकल मार्केट में बड़ी धांधलीबाजी चलती है, 15-15, 20-20 रुपए में ये बैटरियां मिलती हैं, ठीक है। आपको जो ब्लूटूथ है ना उसे अगर आपको रिपेयर कराना ही है तो आपने जिस ब्रांड का लिया है ना अच्छी क्वालिटी का, आप उसी ब्रांड के सर्विस सेंटर में जाना, बाहर किसी दुकान पे है ना आप इसकी बैटरी चेंज मत करवाना। 15-15, 20-20 रुपए में आती है भाई मार्केट में, उसको लगाने के 2-250 रुपए आपसे कोई ले लेगा, मगर वो जो बैटरी होगी ना वो बैटरी बहुत जल्दी फूलती है क्योंकि वो अनरेगुलेटेड होती है। ये बैटरी कभी भी चेंज मत करवाना भाई मार्केट से। तो आज वीडियो में आया तो एक चीज और आपको मैं बताता हूँ, देखो ये खोल के दिखा देता हूँ मैं, ये खुल गया, देखो ये बैटरी होती है, ये बैटरी मार्केट में 25-30 रुपए की मिल जाती है। एक ईयरबड्स के अंदर है ना 3 बैटरियां होती हैं, देखो एक बैटरी तो होती है डब्बी के लिए जो इन दोनों ब्लूटूथ को चार्ज करती है, ठीक है, इन दोनों डिवाइस को चार्ज करेगा, और 2 बैटरियां होती हैं इन ईयरबड्स के अंदर, एक बैटरी येरी और एक बैटरी इसके अंदर है। एक ईयरबड्स में 3 बैटरियां होती हैं, ठीक है, तो इन जो दोनों ईयरबड्स में ना अलग अलग बैटरी होती है। आप काफी सारे बंदों को ये लगता होगा कि इसमें से हमने ब्लूटूथ को निकाला बाकी ये है ना सिग्नल से चल रहा है, भाई सिग्नल से नहीं, इसमें बैटरी होती है, एक तरह से आपने ना ये 2 बैटरियां लगा रखी है कान में। ध्यान रखना अगर आपके ईयरबड्स का बैकअप कम हो जाता है ना फौरन फेंक दो भाई उसको, जान से बढ़ के नहीं है, अगर आपने लोकल खरीद रखे हैं तो फेंक दो उसको, और ओरिजिनल हो आपके कुछ महंगे हो कॉस्टली हो सर्विस सेंटर जाकर ही ठीक करवाना, बाहर लोकल शॉप पे मत कराना कभी भी। ये 15-20 रुपए वाले डाल देंगे, थोड़े दिन के लिए तो बैकअप देती है, 5-10 दिन में ही आपकी बोल जाएगी ये बैटरी, या फिर फूल जाएगी, फटती बहुत तेज है, चाहे ये बिजली बम की तरह फटती है, आप इसको बिजली बम कह लो या फिर लक्ष्मी बम कह लो, कान के ईयर ड्रम्स है ना उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं भाई, ये तो दोबारा आ जाएंगे पैसों में खरीद के, कान दोबारा नहीं आया करते, तो ध्यान रखना इस चीज का। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो आज की मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कुछ ईयरबड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा दोस्तों वीडियो में यहाँ तक रुके, वो तो एक बोनस पॉइंट आपको बता देता हूँ, देखिए आपको लोकल और ओरिजिनल कैसे पहचानना है, किसी भी दुकान पर आप जाओ तो आपको अगर कोई ओरिजिनल बताए ना तो उसको बता देना इस तरीके की पहचान होती है। लोकल ईयरबड्स में जो होते हैं ना ये रबड़ अलग से निकल जाती है, ठीक है, और बाकी जो ओरिजिनल ईयरबड्स होते हैं जो महंगे वाले होते हैं उनकी रबड़ निकलेगी नहीं, वो अंदर तक सील होती है भाई, यहाँ आप देख सकते हैं इसको, इसको ध्यान से देख लो, रबड़ इसकी निकलने वाली नहीं होती, ठीक है, ये आपको जब ये ईयरबड्स खोलेंगे ना तभी ये रबड़ इसकी निकलेगी, ये ओरिजिनल एप्पल के हैं आपको बता दूं तो। अंदर की बात बता दी, इसी बात पे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मैं हूँ आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।